उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। किसी भी देश के युवा उसका भविष्य होते हैं और युवाओं के हाथों में देश की तरक्की की बागडोर होती है। आज के समय में जहां हर तरफ भ्रष्टाचार, बुराई और अपराध का बोलबाला है, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जगाना और उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराना अति आवश्यक है। स्वामी जी के विचारों में वह क्रांति और तेज है जो सारे युवाओं को नई उमंग से भरकर उनके दिलों को भेद दे, उनमें नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी का संचार कर दे। स्वामी जी का जन्मदिन विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके अतुल्य आदर्श हैं, जिनका उन्होंने हमेशा पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्रों में भी उन्हें स्थापित किया। उनके विचार और आदर्श युवाओं में नई शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह कर सकती है। स्वामी जी युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अनंत स्रोत तथा भंडार साबित हो सकते हैं। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने न केवल पूरे भारत का भ्रमण किया, बल्कि लाखों लोगों से मिले, उनके बीच गए और उनका दुख दर्द भी बांटा। स्वामी जी ने कहा था कि जब तक देश की रीढ़ युवा अशिक्षित रहेंगे, तब तक देश को उन्नति की ओर ले जाना असंभव होगा। इसलिए उन्होंने अपनी ओजपूर्ण वाणी से सोए हुए युवकों को जगाने का काम शुरू कर दिया। अठारह सौ संतानवे में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा था, भारत फिर से इस विश्व पर विजय प्राप्त कर विश्व गुरु बने, यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर कोई जो कि मेरी बात सुन रहा है, अपने अपने मन में ठान ले और इस कार्य को पूर्ण किए बिना ना छोड़े। इस कार्य को कौन संपन्न करेगा? स्वामी जी ने कहा, मेरी आशाएं युवाओं पर टिकी हुई है। स्वामी जी को युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी। आज भी वे कई युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। विश्व भर में जब भारत को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1883 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर प्रभावी भाषण देकर दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया। स्वामी जी को प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए याद किया जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। अपनी तेज और ओजस्वी वाणी की बदौलत पूरे विश्व में भारतीय अध्यात्म का परचम लहराने वाले प्रेरणादाता और मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए साक्षात भगवान थे। उनके बताए मार्ग पर जो कुछ कदम भी चलेगा, उसे सफलता जरूर मिलेगी। दो में मात्र 39 वर्ष अल्पायु में ही स्वामी विवेकानंद महासमाधि में लीन हो गए, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी उनके कहे गए शब्द विश्व के लिए प्रेरणादायी हैं। कुछ महापुरुषों ने इस महान व्यक्तित्व के बारे में
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि जब जब मानवता निराश एवं हताश होगी, तब तक स्वामी विवेकानंद के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर विचार जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के कुछ अतुल्य कथन। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न जल धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, परमात्मा तक जाता है। किसी की निंदा मत करो, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीष दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अगर धन दूसरों की भलाई करने में उपयोग करे तो इसका कुछ मूल्य है, वरना यह केवल बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही अच्छा है। यह आदर्श है कि तुम ही परमात्मा हो। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम अपनी अंतरात्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देव कृत्य हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते।